आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कई दिनों से बंद चल रही शराब की दुकानें खुलने के बाद शहर में ओवर रेटिंग का मामला भी देखने को मिला, जहां लोगों ने एमआरपी रेट से बढ़कर दाम वसूलने का आरोप लगाया। कई दिनों से बंद चल रही शराब की दुकानें खुलने के बाद ज्यादातर शराब की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शराब की दुकानों पर देखे गए। हालांकि कहीं कहीं ओवर रेटिंग का मामला भी सामने आया। हाँ, मैंने उनसे ली थी तो मैंने उन्होंने मेरे को 930 रुपए की बताई थी। 900 इसमें मतलब 20 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। 910 रुपए की, 930 रुपए ले रहे थे। जब मैंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने मैनेजर को फ़ोन किया, जब उन्होंने 20 रुपए कम करे हैं कि तुम किसको फ़ोन लगा रहे हो, मेरी बात करा वैसे वैसे करके। अब इन्हें मुझसे लिए रेट टू रेट लिए, पहले 930 रुपए मांग रहे थे। हालांकि ग्राहक द्वारा विरोध करने के बाद एमआरपी रेट पर ही दे दी गई। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने 17 मई तक जारी लॉकडाउन के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मिठाई, किराना, फल, दूध, सब्जी, बेकरी और शराब की दुकान मंगलवार से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।